दोस्तों आज व्यू के द्वारा चार नए स्मार्ट टीवी इंडिया के अंदर लॉन्च किए गए जो कि काफी अच्छे हैं। एयरटेल की तरफ से तीन नए प्लान यहां पर आए हैं, साथ में यहां पर आप लोगों के लिए गूगल मैप्स को लेकर काफी कमाल की न्यूज आ रही। तो आज के इस वीडियो में आपको दोस्तों पूरे दिन भर की 100 टेक न्यूज देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वन लाइनर टेक न्यूज का ये एपिसोड। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले जो न्यूज आती है वो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गूगल मैप्स को लेकर आ रही है कि यहां पर गूगल मैप्स पे जो है इंडिया के अंदर शायद अब आपको जो अमिताभ बच्चन जी की आवाज है वो यहां पर मिल सकती है। जी हां दोस्तों, वो आपको रास्ता बताते हुए जो है यहां पर आप उन्हें सुन सकते हैं, क्योंकि यहां पर गूगल जो है अब अमिताभ बच्चन जी से जो है बात कर रहा है इस बारे में कि जो यहां पर आपको वॉइस सुनाई देती है, जो भी आपको वहां पर वॉइस जो है सुनाई देती है गूगल मैप्स पर, तो शायद उसमें आप जो यहां पर जो है अमिताभ बच्चन जी की जो है आवाज़ यूज़ की जा सकती है, क्योंकि गूगल जो है उनसे फिलहाल बात कर रहा है। लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो उनके बीच में जो भी चल रहा है वो यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है कि अमिताभ बच्चन जी जो है गूगल मैप्स पर अपनी आवाज़ जो है यहाँ पर देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। तो अगर गूगल मैप्स के अंदर जो है अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ आती है तो शायद मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का आप लोग का जो है सभी का एक्सपीरियंस रहने वाला है। वैसे आप लोग बताना कि अगर जो है अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ गूगल मैप्स पर आती है तो आप लोगों को वहां पर किस तरह का लगेगा, कैसा आपको लगेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जो आज की सेकंड न्यूज आती है वो यहां पर आ रही है व्यू की तरफ से कि आज उन्होंने इंडिया में अपने चार जो है 4K टीवी लॉन्च किए। जी हां दोस्तों, इंडिया में उनके द्वारा आज जो है चार नए 4K टीवी लॉन्च किए गए, जो कि एक 43 इंच वाला होने वाला है, 50 इंच वाला होगा और थर्ड जो यहाँ पर 55 इंच वाला होगा और जो यहाँ पर फोर्थ होने वाला है दोस्तों वो यहाँ पर 65 इंच का होगा। सभी जो टीवी होने वाले हैं यहाँ पर वो 4K अल्ट्रा HD टीवी होने वाले, काफ़ी थिन बेजल के साथ में ये टीवी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। इनमें आपको सभी जो लेटेस्ट फीचर हैं जैसे कि यहाँ पर आपको गूगल क्रोमकास्ट वाला फीचर मिल जाता है, एंड्रॉइड 9 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, साथ में गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट आपको मिल जाता है जहाँ पर आप जो है जो भी टीवी के लिए ऐप यहाँ पर गूगल की तरफ से फिलहाल अवेलेबल है या प्ले स्टोर पर जो अवेलेबल है उन्हें आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको अमेजन प्राइम, साथ में हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इन सभी का सपोर्ट वहाँ पर दिया गया है इस टीवी के अंदर। इन टीवीज के अंदर 2GB की रैम आपको दी जा रही है, 16GB का जो है स्टोरेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर साउंड की बात करें तो आपको 24W के जो स्पीकर्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इनकी जो कीमत है दोस्तों वो मैं फिलहाल आप लोगों को बता देता हूँ कि जो यहाँ पर 43 इंच वाला जो है यहाँ पर 4K टीवी होने वाला है उसकी कीमत 25,999 रुपये होगी, जबकि जो यहाँ पर 50 इंच वाला टीवी होगा दोस्तों उसकी कीमत होने वाली है 28,999 रुपये। 50 इंच वाले टीवी की कीमत होगी 32,999 रुपये और जो यहाँ पर 65 इंच वाला टीवी होगा दोस्तों उसकी कीमत होने वाली है 48,999 रुपये। आप आज से ही जो है इन्हें जो है अमेजन के जरिए परचेज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप लोग बताना कि आपका जो फेवरेट ब्रांड है टीवी के अंदर वो यहाँ पर कौन सा है। तो कल कुछ यूजर्स ने कमेंट यहाँ पर किया था कि आप जो है पोल यहाँ पर ऑर्गेनाइज कीजिए, तो आज मैंने जो है यहाँ पर पोल जो है वो रख दिया है। तो आप ऊपर जो है कार्ड के अंदर जाकर पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका जो फेवरेट टीवी ब्रांड है वो यहाँ पर कौन सा है, वो यहाँ पर Xiaomi है या Realme के फिलहाल जो टीवी यहाँ पर लॉन्च किया गया था वो आपका फेवरेट फिलहाल बन चुका है। Viu काफ़ी दिनों से इंडिया के अंदर है और ये चाइनीज कंपनी भी नहीं है, साथ में और जैसे Samsung या अदर ब्रांड्स आप पसंद करते हैं तो वो आप लोग जो कार्ड में मैंने जो पोल डाला है वहाँ पर जाकर जरूर से जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिएगा और अपना ओपिनियन जरूर से दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज आते हैं यहाँ पर एयरटेल के तीन नए प्लान को लेकर। ये ऑल इन वन प्लान एयरटेल के द्वारा जो है लॉन्च किए गए। यहाँ पर आपको DTH वाला यानी कि जो यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स वगैरह पर जो चैनल्स देखते हैं, लाइव टीवी चैनल देखते हैं आप, जो आपका सैटेलाइट एंटीना होता है उसके जरिए आप जो टीवी चैनल्स देखते हैं वो भी इसमें शामिल किया गया है। ब्रॉडबैंड वाला जो प्लान है वो भी इसमें शामिल किया गया है, साथ में जो मोबाइल पर आप इंटरनेट और कॉलिंग यूज़ करते हैं वो प्लान भी यहाँ पर शामिल किए गए। तीन नए प्लान हैं। पहला जो प्लान होगा 1349 रुपये वाला प्लान है। सेकेंड जो प्लान होने वाला है वो 1499 रुपये वाला होने वाला है, जबकि जो थर्ड प्लान होगा वो यहाँ पर 1999 रुपये वाला होगा। बात करते हैं यहाँ पर 1349 रुपये वाले प्लान के बारे में, तो इसमें आपको मोबाइल के लिए दोस्तों जो है 150GB का इंटरनेट मिलेगा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग इसमें आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो ब्रॉडबैंड वाला कनेक्शन है वो नहीं मिलेगा, लेकिन DTH वाला बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगा
और डीटीएच के लिए 350 रुपए वाला प्लान है, यानी कि 350 रुपए तक के चैनल आपको यहां पर फ्री देखने को मिल जाएंगे। सेकंड जो प्लान है वो 1449 रुपए वाला है, इसमें आपको जो मोबाइल बेनिफिट मिलेगा उसमें आपको 75 GB डेटा दिया जा रहा है, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलेगी यहां पर आपको, फाइबर वाला जो यहां पर प्लान है यानी जो एयरटेल का ब्रॉडबैंड है उसका कनेक्शन यहां पर आपको दिया जा रहा है, और उसके लिए आपको 300 GB डेटा दिया जा रहा है 200 MPS की स्पीड से। यहां पर आपको डीटीएच वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात करें 1999 रुपए वाले प्लान की, तो इसमें जो मोबाइल इंटरनेट आपको मिलेगा दोस्तों वो यहां पर मिलने वाला है 75 GB डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग। डीटीएच वाले बेनिफिट की बात करें तो आपको यहां जो है 424 रुपए तक के चैनल्स बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे। साथ में जो फाइबर वाला प्लान है वो भी इसके साथ में आपको दिया जा रहा है, फाइबर के लिए यानी कि ब्रॉडबैंड के लिए आपको 300 GB डेटा मिलेगा 200 MBPS की स्पीड से। तो एयरटेल के द्वारा 3 नए ये प्लान यहां पर लॉन्च किए, दोनों जो डीटीएच प्लान होने वाले उनके साथ में एयरटेल का जो एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स है वो आप लोगों को फ्री दिया जा रहा है, यानी कि 1349 रुपए वाले में आपको एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स फ्री मिल रहा है, साथ में जो यहां पर 1999 रुपए वाला प्लान होने वाला है उसके साथ में आपको एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स यहां पर मिल रहा है। तो ये 3 नए प्लान यहां पर एयरटेल के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो लेकिन ये सभी जो है सिलेक्टेड सिटीज के अंदर है, क्योंकि ब्रॉडबैंड वाली सर्विस जो है वो अभी जो ग्रामीण एरिया है वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो जो यहां पर बड़े सिटीज है वहां पर ही आप इन सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है दोस्तों, वो यहां पर आ रही है ट्विटर के नए अपडेट को लेकर, जो कि जिस तरह से अभी आपको जो है यहां पर फेसबुक पर स्टोरीज वाला फीचर मिलता था या यहाँ पर आपको स्टेटस वाला फीचर मिलता था व्हाट्सएप पर, तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर उन्होंने जो है एक जो है फीचर अवेलेबल कराया, जो कि फ्लीट जो है फीचर होने वाला है। इसके जरिए अब आप जो है यहाँ पर अपने स्टेटस स्टोरीज जो है अपडेट कर पाएंगे, जहाँ पर आप वीडियो जिप फाइल्स जो है या फोटोज जो है वो अपनी जो है स्टोरीज में लगा सकते हैं ट्विटर के ऊपर भी। दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज आती है वो यहाँ पर आ रही है ओप्पो के नए स्मार्टफोन को लेकर, जो कि बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और काफ़ी अच्छे फीचर्स जो है इस स्मार्टफोन के होने वाले हैं और इसकी कीमत भी काफ़ी कम होने वाली। नया स्मार्टफोन होगा ओप्पो A52, इसमें आपको 4 GB की रैम मिलेगी, 64 GB का स्टोरेज मिलेगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 वाला चिपसेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, मेन सेंसर आपका 12 MP का होने वाला है, सेकंड सेंसर दोस्तों यहाँ पर 8 MP का वाइड एंगल कैमरा होने वाला है, जो थर्ड लेंस होगा वो 2 MP का एक डेप्थ सेंसर होगा, फोर्थ लेंस दोस्तों 2 MP का एक जो मैक्रो लेंस होने वाला है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। बैटरी दोस्तों यहाँ पर होने वाली 5000 mAh की, साथ में 18 W की फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर कीमत इस स्मार्टफोन की जो बताई जा रही है वो 10,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है, तो मेरे हिसाब से ओप्पो का ये सबसे जो है कमाल का फोन होगा अगर 10,000 रुपये के आसपास ही आता है। काफ़ी अच्छे फीचर्स फिलहाल इस स्मार्टफोन में आपको मिल रहे हैं। वैसे आप लोग बताना कि क्या ये स्मार्टफोन अगर 10,000 रुपये के अंदर आता है, क्या आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज करना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दीजिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है दोस्तों वो यहाँ पर आ रही है Realme X3 सुपर जूम एडिशन को लेकर, कि आप इंडिया में जो है इस स्मार्टफोन को 26 जो है यहाँ पर जून को लॉन्च किया जा सकता है, और बताया जा रहा है कि इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला जो है 6.6 इंच का जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। कैमरा की बात करें तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, मेन सेंसर आपका 64 MP का होने वाला है, सेकंड जो सेंसर होगा वो 8 MP का होगा, थर्ड सेंसर यहाँ पर 8 MP का एक पेरिस्कोप लेंस प्रोवाइड किया गया है, और इसकी सहायता से आपको दोस्तों 60x का जूम प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि काफ़ी कमाल का यहां पर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ जो लेंस होने वाला है वो 2 MP का एक मैक्रो लेंस होने वाला है। फ्रंट कैमरे के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 4200 mAh की बैटरी इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी, 30 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा, और कीमत शायद इस स्मार्टफोन की 40,000 रुपये के आसपास हो सकती है। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा रियलमी की तरफ से। वैसे अगर जो है रियलमी के स्मार्टफोन 40,000 रुपये के आसपास आएंगे, तो यहाँ पर अभी तक बजट में जो है बजट के सेगमेंट के अंदर आते, तो मेरे हिसाब से यार काफ़ी जो है आप लोगों को भी महंगा लगेगा कि रियलमी अभी तक जो बजट में स्मार्टफोन प्रोवाइड करता था, लेकिन अब 40,000 रुपये से ऊपर के जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। मेरे हिसाब से यार जो स्मार्टफोन रियलमी इंडिया के अंदर लॉन्च कर रहा है उनकी कीमत 30,000 रुपये से कम ही होनी चाहिए। आप लोग बताइएगा कि क्या रियलमी को इतने महंगे स्मार्टफोन लॉन्च करने चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो जियो की तरफ से आ रही है, कि जियो फिलहाल अपने यूजर्स को 2 GB इंटरनेट बिल्कुल फ्री में दे रहा है। माई जियो ऐप में आप चेक कर सकते हैं, माई स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर आपको 2 GB डेटा मिल रहा है 4 दिनों के लिए, यानी कि टोटल आपको 8 GB डेटा मिल रहा है। साथ में जो उनके जियो फाइबर यूजर्स हैं उनको भी अमेजन प्राइम की मेंबरशिप जो है 1 साल के लिए फ्री दी जा रही है।
तो ये कुछ बेनिफिट है यहाँ पर दिए जा रहे हैं जियो की तरफ से जियो फाइबर यूजर्स को भी और जियो प्रीपेड सिम यूजर्स को भी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ एक सो टेक न्यूज। आशा करता हूँ टेक न्यूज का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का टेक न्यूज देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।